इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल यानी कि 20 दिसंबर को जो ट्यूटर कैंपिंग किया गया था डीआरडीओ की एग्जाम डेट के लिए, वो कैसा रहा और अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैसा टॉक पर। सबसे पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि डीआरडीओ से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों कल जो ट्यूटर कैंपिंग किया गया था डीआरडीओ की एग्जाम डेट के लिए वो काफी शानदार रहा था। लगभग दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस मुहिम के अंदर अपना साथ दिया। कई सारे स्टूडेंट दोस्तों इस ट्यूटर कैंपिंग के अंदर हिस्सा लिए और कई सारे स्टूडेंट ने इस ट्यूटर कैंपिंग को सक्सेस बनाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी। दोस्तों मैं खुद ट्विटर पर सुबह से लेकर शाम तक पूरा एक्टिव था और मैंने भी कई सारे ट्वीट किए। मेरी आईडी ब्लॉक होने के बावजूद भी मैंने कई आईडी बनाई और फिर दोस्तों लगातार ट्वीट करता रहा सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि एग्जाम डेट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर निकल के सामने आए। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यही रही कि इस बार भी अपना जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में नहीं आया। दोस्तों ट्रेंडिंग में हैशटैग नहीं आने का सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये सामने निकल के आ रहा है कि जिन भी बड़े टीचरों ने इस मुहिम को स्टार्ट किया था उसमें से बहुत कम टीचर ऐसे हैं जिन्होंने आज के दिन इसके अंदर साथ दिया था, यानी कि बहुत कम टीचरों ने दोस्तों इस हैशटैग को ट्रेंड करवाया। इसकी वजह से दोस्तों अपना जो हैशटैग है वो ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया। अभी भी कहीं ना कहीं कई सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि डीआरडीओ एमटीएस की एग्जाम डेट के बारे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनका तो मकसद था कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट लेकर आए और वो आ गई। अब वो सारे के सारे टीचर्स अपने पढ़ाने में व्यस्त हो गए हैं। इस समस्या को कोई भी सोल्व करना नहीं चाहता कि आखिरकार डीआरडीओ की जो एग्जाम डेट है वो कब तक जारी होगी। लाखों दोस्तों स्टूडेंट इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं और अभी तक भी उनको कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से। सो दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की परेशानी कि आप कितना परेशान होंगे इस एग्जाम डेट को लेकर। सरकार जाने कैसे तो वैकेंसी निकालती है और उस वैकेंसी को भी फिल करने के लिए इतना टाइम लगा देती है कि लाखों स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि ओवरहीटिंग दहलीज पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जितना मेरे से हो सकेगा मैं संभव प्रयास करूंगा आप लोगों की इस एग्जाम डेट को लाने के लिए। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जब तक डीआरडीओ की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने नहीं आती तब तक आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते रहें। बाकी दोस्तों अगर ये मुहिम छिड़ चुकी है कि डीआरडीओ की एग्जाम डेट लेकर आनी है तो अब यहाँ से पीछे हटना बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो पूरा संभव दोस्तों प्रयास करेंगे, तब तक आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते रहें। दोस्तों अब आगे क्या करना है तो उसके बारे में अब रणनीति तैयार कर रहे हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर ये बताइए कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो कि राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज का दिन काफी अच्छा रहा। दोस्तों आज के दिन मैंने ट्विटर कैंपिंग के अंदर एक बात ये नोटिस करी कि जो भी हैशटैग आप लोगों को दिया गया था कल, आप में से लगभग 99% स्टूडेंट ने सेम हैशटैग यूज कर रखा था। पिछली बार की तरह आप लोगों ने अपने खुद का हैशटैग यूज नहीं किया, जो हैशटैग आप लोगों को दिया गया था वही हैशटैग आप लोगों ने इस्तेमाल किया, जो कि एक स्टूडेंट की यूनिटी को दर्शाता है। दोस्तों अब आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम जब भी दोस्तों कुछ करेंगे तो उसके अंदर कुछ बड़ा करने वाले होंगे, इसमें आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। तो इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से अपने स्टूडेंट में शेयर करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कुछ करने वाले होंगे तो उसके अंदर आप सब मेरा साथ 100% दोगे। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में केवल इतना ही। काफी स्टूडेंट दोस्तों वेट कर रहे थे कि सर आज का जो ट्विटर कैंपेन है वो कैसा रहा उसके बारे में हमें बताइए। तो आज का ट्विटर कैंपेन काफी अच्छा रहा, बस मैं यही बोलना चाहूंगा। और दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नई रणनीति के साथ। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।